दुर्गापुर विधान नगर मारवाड़ी महिला समिति की ओर से बच्चों के लिए कुछ क्राफ्ट वर्क लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को ये कैंडल होल्डर बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें सिर्फ पुरानी दो बुक चाहिए जो हमारे काम नहीं आएंगी। वैसे पुरानी कोई बुक ले लें। इस कैंडल होल्डर के लिए हमें दो बुक चाहिए। बुक के कवर पेज को हम निकाल देंगे। इसके लिए हमें दो बुक चाहिए, कम से कम 250 से 300 पेज बुक के होने चाहिए। बुक दोनों एक ही साइज की भी होनी चाहिए। हम दोनों बुक के कवर पेज निकाल लेंगे, ये हमें काम नहीं आएंगे। अभी हम अपने कैंडल का नाप लेंगे, जो भी साइज की कैंडल हमें लगानी है हम उस कैंडल का नाप लेंगे। ये हमारी छोटी वाली एलईडी कैंडल है, जिसके लिए हमें 2 सेंटीमीटर का नाप लेने से हमें उसके लिए बेस की जगह मिल जाएगी। ये हम 2 सेंटीमीटर का मार्क कर लेते हैं दोनों साइड से। अब हम यहाँ से किसी तेज धार वाली चाकू से या फिर हम थर्माकोल कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे हम इस पार्ट को कट करके निकाल देंगे। इस कैंडल होल्डर के लिए हमें कुछ ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। बस 2 पुरानी बुक चाहिए। कॉर्नर को कट करके निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए आप अपने बड़ों की मदद लें। ये जो हम कॉर्नर कट कर रहे हैं, यही हमारा स्पेस बनेगा कैंडल रखने के लिए। दोनों बुक में हम इसी तरह कॉर्नर कट कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर का नाप लेके। अभी हम बुक के साइड्स में जो थोड़े बहुत पेपर लगे हुए रहते हैं उसको स्क्रैच करके थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब हम बुक फोल्डिंग पार्ट को देखेंगे कैसे करना है। अभी हम पेज को इस तरह से, जहाँ से हमने कट किया है, को इस तरह से कोने से मोड़ेंगे। ये हमारा पहला फोल्ड है। अब दूसरा फोल्ड हम हाफ फोल्ड कर देंगे। ये हमें बहुत ही सफाई से करनी है, नहीं तो हमारा कैंडल होल्डर का शेप अच्छा नहीं आएगा। फिर से देखिए, ये मैंने कॉर्नर से फोल्ड किया, फर्स्ट फोल्ड हमारा ये। सेकेंड फोल्ड अब हम हाफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करेंगे तो हम अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। इसी तरह से हम अपनी पूरी बुक को फोल्ड कर लेंगे। कॉर्नर से एक फोल्ड, फिर हाफ फोल्ड। हमें अपनी दोनों बुक को इसी तरह से रेडी करनी है।
हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी दोनों बुक एक ही साइज की लेनी है। दोनों में सेम प्रोसेस करना है, कॉर्नर कट करना है, फोल्डिंग पार्ट करना है। अभी हमारी दोनों बुक तैयार हो गई है। मैंने दोनों बुक के पेज फोल्डिंग कर लिए हैं। अब ये इस तरह की दिखेगी। फोल्ड करने के बाद हमारी बुक इस तरह शेप में आ जाएगी। अभी हम दोनों बुक को एक दूसरे के साथ स्टिक करेंगे। ये मैंने एक बेस लिया जिसपे हम कैंडल्स को रखेंगे। ये स्टैंड तैयार करके हम इसके ऊपर स्टिक करेंगे। ये कुछ डेकोरेशन के सामान हैं। हम कुछ लेस, फ्लावर्स, लीव्स वगैरह, रिबन वगैरह, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप कुछ भी ले सकते हैं। डेकोरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है आप उसी को यूज़ करके अपने कैंडल स्टैंड को डेकोरेट करें। अभी हम बुक के दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेते हैं ग्लू गन की हेल्प से। ग्लू गन बहुत गर्म होती है इसलिए थोड़ा ध्यान से काम करें, ग्लू के ऊपर हाथ न लग जाए। अभी हम एक बुक को दूसरे बुक के ऊपर रख देते हैं। ये हमारी बुक स्टिक हो गई है। अभी हम एक कार्डबोर्ड का बेस लेंगे। चलिए पहले हम डेकोरेशन करते हैं। ये लेस मैंने है, जैसे मैंने मिडिल में इस तरह से पूरे राउंड में स्टिक कर लिया है। आपके पास जो भी सामान अवेलेबल हो, फूल की लेस, फ्लावर्स, कुछ भी हो, आप उसी से अपनी डेकोरेशन करें। आप देख रहे हैं ये जो बीच में राउंड सर्कल बना है इसी पे हम अपनी कैंडल रखेंगे। अभी मैंने लेस लगा ली है। इन दो लेसों के मिडिल में हम एक दूसरे कलर की लेस लेंगे। कलरफुल एक रिबन लगाएंगे जिससे हमारे कैंडल होल्डर का गेटअप और आएगा। अब हम फ्लावर्स अरेंजमेंट करेंगे।
हमें लगा कर देखना है कि हमारे फ्लावर इस तरह रखने से कैसे अरेंजमेंट करने से सुंदर लगेंगे। हमारा डेकोरेशन पूरा हो गया है, फ्लावर अरेंजमेंट मैंने कर लिया है। अभी आप चाहे तो इसको और डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा और डेकोरेट किया है। अभी हम जो ग्लू वाले पर्ल्स मिलते हैं जिसमें नीचे ग्लू लगा हुआ रहता है, वो पर्ल्स वाले स्टिकर लेंगे। और अभी मैं अपने रिबन के ऊपर इसे डेकोरेट कर रही हूँ। अभी हम इसके लिए एक बेस तैयार करेंगे जिसपे हम इसे कैंडल स्टैंड को रखेंगे। ये मैंने क्या लिया है, मैंने ये केक का जो बेस होता है ये मैंने लिया है। तो मैंने वही चीज़ें यूज़ की है जो मेरे घर में थी और जो आपके भी घर में आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपके पास एक केक का बेस नहीं मिलता है तो आप किसी भी कार्टून या कार्डबोर्ड से एक सर्कल काट लें और उसे डेकोरेट करके उस पे एक कैंडल स्टैंड को लगा दें। पहले हम मार्क कर लेंगे मिडिल में एक ग्लू लगा के, हम अपनी बुक को इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। ये हमारा कैंडल का बेस रेडी है। अब हम इस बेस को भी और डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो डेकोरेट करें, नहीं इच्छा है तो नहीं भी कर सकते हैं। मैंने थोड़े से फ्लावर्स पर्ल्स इसके ऊपर लगा लिए हैं, इससे ये थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है। डेकोरेशन पूरा आपकी पर निर्भर है, आप इसे जितना भी खूबसूरत बनाना चाहो। आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है आप उसी से डेकोरेट करें। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इस पर अपनी LED कैंडल रखते हैं। ध्यान रखना है इसमें हमें माचिस से जलने वाली कैंडल नहीं रखनी है, इस पर बैटरी से चलने वाली कैंडल ही रखनी है। तो कैसा लगा बच्चों आपको? आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू।